हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रच मेकअप। सो आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कफ्स एंड लैशेस हॉल। सो बेसिकली मैंने सिर्फ दो ही प्रोडक्ट्स परचेज किए हैं, ठीक है, कफ्स एंड लैशेस से। सो सबसे पहले है उनकी ये 20 समथिंग आई शेडो पैलेट विच कॉस्ट मी अबाउट 350 रुपीज, विच इज़ वेरी अफोर्डेबल। सो इस पैलेट के ऊपर सबसे पहले ये पन्नी चढ़ी हुई थी विच इज़ ऑफ यू नो नॉर्मल सी पैकेजिंग। काफ़ी अच्छी लगी मुझे, काफ़ी स्टर्डी लगता है जब ये इसके ऊपर चढ़ जाता है। एंड नेक्स्ट यू विल हैव दिस 20 समथिंग की आई शेडो पैलेट। फर्स्ट लुक एट द पैकेजिंग, पैकेजिंग कितनी अच्छी है एंड पीछे आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा हैव इनफ मेकअप सेड बाय नोबडी एवर। आई लाइक दैट, बट मुझे पता नहीं ये मोस्टली मिरर क्यों टूटे हुए मिलते हैं, आई जस्ट डोंट नो। मेरी SFR हेटेड विथ लव आई शेडो पैलेट वो भी मुझे टूटी हुई मिली, बट इसकी हालत उससे भी ज़्यादा ख़राब है। यू नो लेट मी शो यू, पता नहीं मुझे, मैंने इसे रिटर्न नहीं किया बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि कफ्स एंड लैशेस पे रिटर्न पॉलिसी है। जस्ट लुक एट दैट, लुक एट दिस, मुझे ये टूटा हुआ रिसीव हुआ। तो मैंने इसको थोड़ा सा सिक्योर करने के लिए ना इसके ऊपर ये पन्नी चढ़ी हुई थी ये वाली, यू नो, ताकि आपके आई शेडो सिक्योर हो जाए। तो मैंने इसको ना टेप के साथ सिक्योर कर दिया ताकि ये और ज़्यादा टूटे फूटे ना। सो इसमें देख के मैं इतना मेकअप नहीं करती है एंड आई हैव माई ओन मिरर, सो दैट्स व्हाई मैंने इसको रिटर्न नहीं किया। अगर आप इसी में देख के मेकअप करना चाहते हो, अगर आपको ये टूटा हुआ रिसीव मिला, देन यू शुड रिटर्न इट बैक। देख लीजिए कि अगर आपको रिटर्न पॉलिसी मिलती है, एक बार आप उन्हें दिखा सकते हो तो वो शायद आपका चेंज कर दे प्रोडक्ट। हाय, मेरी पीठ दुखने लग गई, ये जो आप मेकअप लुक देख रहे हो ना इसको करने मुझे 3 घंटे लग गए और मैं थक गया बैठ के, बहुत थक गया मैं, मेरी पीठ दुखने लग गई। मैं मम्मा था ना रात में दिमाग खाऊंगा, मैं टूवी टू करिए कुटो, मम्मा ने कहा ना मेरा आप डुक उठाया टिडू, सॉरी टूवी। सो अगर आप ये मेकअप लुक अचीव करना चाहते हो, मेक श्योर कि मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैंने आज ये मेकअप लुक बनाया है, क्रिएट किया है, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। सो दिस इज द पैलेट, मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी वर्सेटाइल पैलेट, आई लव्ड इट। मुझे ये पैलेट काफ़ी अच्छी लगी। बेसिकली आज मैंने इसी पैलेट से मोस्टली अपना फेस मेकअप किया है एंड यू नो यही ब्रॉन्जर यूज़ किया है, यही ब्लश यूज़ किया है एंड यही हाइलाइटर यूज़ किया है। कौन है? वेट, बेल हुई है, आई बी राइट बैक। सो ताईजी ने खोल दिया गेट, सो लेट्स स्टार्ट इट हियर। सो आपको देखा जाए तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे शेड्स मिलते हैं। मैं स्वॉचेस नहीं करूँगी बिकॉज ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो चुका है मुझे आई हेटेड विद लव आई शेडो पैलेट के ना मुझे आज स्वॉचेस करने हैं, सो दैट्स वाई मैं वो इसके स्वॉचेस मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। बट दिस लुक एट द आई शेडो पैलेट, कितनी अच्छी एंड अमेजिंग क्वालिटी है इसकी। थोड़ा सा दिखा देती हूँ आपको, जस्ट लिटिल बिट स्वॉच। दिस इज द ब्रॉन्जर, इतना शो नहीं हो रहा जितना उनकी वीडियोस में, नीति कटियार की वीडियोस में ये शो होता है ना, आई थिंक जस्ट बिकॉज ऑफ द कैमरा लेंस एंड यू नो, बट इट्स अ वेरी नेचुरल ब्रॉन्जर, आपको बहुत नेचुरल ब्रॉन्जर मिलता है। आई लव दैट। वंश जाइए। एंड नेक्स्ट आपको यहाँ पे मिलता है हाइलाइटर, ब्रॉन्जर एंड कॉन्टोर एंड टू ब्लशेस। बेसिकली अगर आप फेयर स्किन टोन के हो ना तो आप इसे भी एज ब्रॉन्जर यूज कर सकते हो। यू कैन सी माई कचरा नीचे, चलो खैर इट्स ओके। लुक एट द पिगमेंट, मैं आपको बस ऐसे ही दिखा देती हूँ, लुक एट दैट, टोटली लव द पिगमेंटेशन। इनके साथ भी ना मैं काफ़ी जल्दी मेकअप लुक्स आप सबके लिए लेके आऊँगी। दीज आर वेरी पिगमेंटेड, इसे वन स्वॉचेस थे। अगर आप इसे बिल्ड करोगे आपको बहुत अच्छे यू नो शेड रेंज में। नेक्स्ट परचेज इज फ्रॉम द मार्स ब्रांड, दिस इज देयर 3-in-1 ब्रॉन्जिंग पाउडर। सो बेसिकली दिस इज इन द शेड नंबर 05, आप देख रहे हो प्रोडक्ट कहाँ है, प्रोडक्ट इज हेयर। सो ये दिस इज इन द शेड नंबर 05, आपको यहाँ पे पीछे यहाँ पे लिख के मिल जाएगा। इसमें आपको यू नो काफ़ी सारे शेड्स मिल जाते हैं, अबाउट 6 शेड्स आपको इसमें मिल जाते हैं। मैंने यहाँ पे एक ब्रॉन्जर एंड 2 हाईलाइट वाला लिया है बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ ब्लशेस विद मी राइट, तो मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ब्लशेस की। सो मैंने हाईलाइटर परचेज करना था तो मैंने हाईलाइटर ले लिया। ये भी हाईलाइटर आज मेरे फेस पे, कफ्स एंड लैशेज वाला भी आज मेरे फेस पे, बिकॉज आई वॉन्ट टू टेस्ट आउट कि कैसे है। दिस इज़ अमेजिंग। ब्रॉन्जर भी यही वाला मेरे फेस पे, मैंने इसे डबल लेयर किया था, फर्स्ट मैंने वो वाला लगाया था फिर मैंने ये वाला लगाया था। दिस इज़ वेरी पिगमेंटेड देन दैट आल्सो, लेट मी शो यू द स्वॉच, लुक एट दैट, दीज आर द शिमर स्वॉचेस, शिमर शोशी
शिमर शेड्स, यू कैन सी. सो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा पिगमेंटेड है. एंड ये यू नो मीडियम स्किन टोन पे भी ये चला जाएगा बिकॉज दिस इज अ वेरी नाइस पिगमेंटेशन. सो एंड इट्स यू नो शिमरी पाउडर, तो आप इसे नाइट पार्टीज में यूज़ कर सकते हो. एज आई शेडोज भी आप इसे यूज़ कर सकते हो. इसमें आपको एक ब्लश भी मिल जाएगा, आई थिंक दैट इज द शेड नंबर 02 और 01. आपको काफ़ी सारे शेड्स मिल जाएंगे. हाई. सो या मुझे ये बहुत अच्छा लगा. एंड लेट मी शो यू द हाइलाइटर्स. बहुत अच्छा हाइलाइटर, आई टोटली लव्ड इट. इसमें बिल्कुल भी ग्लिटर्स चंक्स नहीं है, शिमर्स नहीं है, बहुत ज़्यादा सटल ग्लो आपको देता है. जस्ट लुक एट, आई लव्ड इट. सो आई टोटली लव द पैकेजिंग. पैकेजिंग बहुत अच्छी है. बस यही था मेरा हॉल चुन्नू मुन्नुसा. आई होप ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो. अच्छी लगी हो सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर. सो आई एम एक्साइटेड. वैसे मैं हूँ, जब भी मैं कोई अपना हॉल शेयर करती हूँ ना, आई फील वेरी एक्साइटेड. मेक श्योर कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए. मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर. और मेरे सब्सक्राइबर रेट जल्दी जल्दी बढ़ जाए. आई नीड सब्सक्राइबर्स. बाय बाय.